हिमालयन साहित्य एवं संस्कृति और हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के संयुक्त संयोजन में प्रख्यात कवि आलोचक श्रीनिवास श्रीकांत की स्मृति में रोटरी क्लब शिमला में गोष्ठी का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान से अलंकृत वरिष्ठ कवि आलोचक व गजलकार श्रीनिवास श्रीकांत की स्मृति में रोटरी क्लब शिमला में कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीनिवास श्रीकांत की रचनाओं को वरिष्ठ एवं सम्मानित कवियों एवं साहित्यकारों द्वारा याद किया गया। वहीं हिमालय साहित्य संस्कृति मंच के प्रतिनिधि एस आर हन्नोट ने कहा कि श्रीनिवास श्रीकांत को कोविड काल के दौरान खो दिया गया था, जिसके चलते आज रोटरी क्लब शिमला में उनके द्वारा रचनाओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास श्रीकांत का देश के साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी गहरी पकड़ थी। इसके अलावा संगीत, नाट्य शास्त्र और संस्कृत एवं आयुर्वेदा का वे गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने कहा कि वे सही अर्थों में साहित्य के महासागर थे और उनके निधन से साहित्य जगत को गहरा नुकसान पहुंचा है। और साथ मेरे डॉक्टर करुण सिंह जी हैं, जो कला भाषा संस्कृत अकादमी के सचिव हैं। आज जो कार्यक्रम है वो हम हिमालय साहित्य और संस्कृति मंच और हिमालय जो कला भाषा संस्कृत अकादमी है वो मिलके कर रही है, और जिसका हमने शीर्षक दिया था नमन श्री श्री। जैसा आप जानते हैं कि उनका कुछ समय पहले देहांत हो गया था और हम कोविड की वजह से तत्काल हम उनको याद नहीं कर पाए, तो आज हमने उसी संदर्भ में छोटा सा कार्यक्रम रखा था, जिसकी शुरुआत में हमने श्रीनिवास जी को तो याद किया ही, हमने अपने हिमाचल के वरिष्ठ लेखक जो कोविड के कारण दिल्ली में जिनका देहांत हो गया था बद्री सिंह भाटिया जी, उनको भी याद किया, और हमारे साहित्य मंच के जो एक सक्रिय सदस्य है अश्विनी कुमार जी, जो गिरिराज में जानते हैं हम उनको, तो उनकी मदर का भी आज देहावसान हो गया, तो उनको भी हमने विनम्र श्रद्धांजलि दी। और इसके अतिरिक्त कोविड समय में हमने बहुत से साहित्यकारों को खोया, बहुत से और लोगों को भी, बहुत से परिजनों को भी, उनको भी हमने याद किया, स्मरण किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास श्रीकांत जी 83 वर्ष के थे, तो उनको कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले थे, जो हिमाचल का अकादमी पुरस्कार है, जो शिखर सम्मान है वो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है हिमाचल का, तो उन्हें वो भी मिला था, और हिमालय साहित्य मंच ने भी उन्हें आजीवन उपलब्धि सम्मान दिया था। तो जैसे कि मैंने अभी लेख भी पढ़ा, उनका बहुत लंबा संघर्ष रहा, जो पहली कविता संग्रह उनका आया था उसका अंतराल और जो दूसरा कविता संग्रह था वो 22 साल का था, उस बीच कई उतार चढ़ाव उनके जीवन में रहे। उनका अध्ययन इतना गहरा था, मतलब ये देश के साहित्य का ही नहीं लेकिन विश्व साहित्य में उनकी बहुत गहरी पकड़ थी, संगीत में उनकी बहुत पकड़ थी, नाट्य शास्त्र में उनके संगीत थे, क्योंकि उनके पिता आयुर्वेदाचार्य थे बहुत बड़े, तो इसलिए आयुर्वेद में भी उनका बहुत अध्ययन था और संस्कृत में भी। तो हम उन्हें एक साहित्य का महासागर भी कहते थे, कि जिनकी मतलब हर विषय पर पकड़ थी। तो जैसे हम जैसे लोग हैं, हम आज लेखन में नहीं होते अगर श्रीनिवास जी नहीं होते या दूसरे वरिष्ठ लोग नहीं होते, तो हमें तो उनका बहुत सानिध्य मिला, हमें मुझे ही नहीं मिला लेकिन हिमाचल के मुझे लगता है प्रत्येक लेखक को जो उनके संपर्क में आया उन्होंने सब पे लिखा जितना हो सका, और देश के बड़े बड़े लेखकों पे भी उन्होंने आलोचना पुस्तकें लिखी, उनके आज 8 कविता संग्रह हैं, 4-5 उनकी आलोचना पुस्तकें हैं, और साहित्य जगत को बहुत बड़ा नुकसान है, हिमाचल को तो है ही लेकिन साहित्य जगत को भी, आज जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि हमने एक बहुत बड़ा साहित्यकार खो दिया है, इसकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।